आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडे के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को एकदम से ब्राइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बेकिंग सोडे के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी स्किन पर फेयरनेस का काम करती हैं और साथ साथ जितने भी डेड सेल्स होती हैं उनको भी ये रिपेयर करती है। दोस्तों, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आपको अपनी स्किन पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन 15 दिन में या फिर 20 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन एकदम से ब्राइट हो जाती है और साथ साथ टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। स्किन पर जितनी तरह की भी रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम जो मेन इंग्रेडिएंट इसके साथ ऐड करेंगे उसको ऐड करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएगा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ पर 1 स्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बेकिंग सोडा हमारी स्किन से हर तरह की डस्ट को, पोल्यूशन को भी दूर करने में हेल्प करता है। अगर आप 15 से 20 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पर करेंगे तो आपकी स्किन में एकदम से आपको एक निखार नज़र आएगा, एक चेंज नज़र आएगा। जो भी एजिंग साइंस होते हैं वो इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। अब मैं इसमें जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड करने वाली हूँ वो है कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल एकदम से माइल्ड होता है तो हर तरह की स्किन रैशेस को ये दूर करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा सा ईचिंग वाला होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पर कोकोनट ऑयल को ऐड कर रही हूँ, जिसकी वजह से एकदम से माइल्ड इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी स्किन पर एकदम से बढ़िया आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेती हूँ 1 स्पून। हमने उतना लेना है जितने में ये हमारा मिक्सचर जो है बनकर तैयार हो जाए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैं पहले अच्छे से मिला लेती हूँ। ये मैंने अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे लगाना है। आपने अपनी स्किन पर इसे इस तरह से लगाना है, आपने इस तरह से लेना है इसको और आपस में इस तरह से रब करना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत जेंटली, आपने बहुत जेंटली अपने फेस पर, अपनी आर्म्स पर, एल्बो पर, अपनी हैंड्स पर, जो भी एरिया आपका डैमेज, आपको लगता है कि स्किन डैमेज होने लगी है और उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो दोस्तों मीठा सोडा जो होता है वो स्किन पर रिपेयरिंग का काम करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है ये, और एकदम से डस्ट पोल्यूशन को दूर करता है। आपकी स्किन एकदम से चमकती हुई नज़र आती है। तो आपने बहुत जेंटली मसाज करनी है, 5 से 7 मिनट तक आप मसाज कीजिए और फिर 2-3 मिनट तक इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने नॉर्मल पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी पार्ट आपकी बॉडी का आपको लगता है कि ब्लैक है वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपने हैंड को फ्रेंड्स वॉश कर लिया है और एकदम से मेरे हैंड जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो गया है। आप जिस भी बॉडी पार्ट पर अप्लाई करेंगे वॉश करने के बाद एकदम से आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सपल लगेगी गाइस। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरी वीडियोस पसंद आने पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।